Welcome to yet another exciting episode of your favorite show, you know, Mobiles and Gadgets. I'm Shruti Sharma and with me is Dinesh Sharma. And Dinesh, you know what? What? We're getting so old-fashioned. Why, Shruti? Apni ghadi dikhao. See? It's See? Such a good-looking... No! This is all old-fashioned. Old-fashioned? Yes, this technology is obsolete now. But Shruti, watches are meant to be like this. No, watches are meant to be like these. See these smartwatches. Get these smartwatches and let's get smart. Chinese company Huawei, jo zyadatar apne Android smartphones ke liye jana jata hai, ne apni पहली स्मार्ट वॉच हाल ही में लॉन्च की। ये वॉच है हुआवे स्मार्ट वॉच, जिसको पहली नजर में देखते ही आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि कंपनी ने इसकी स्टाइलिंग पर खास ध्यान दिया है। हुआवे स्मार्ट वॉच की 1.4 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि सफायर ग्लास से बना है, विच एनहांसेस इट्स ड्यूरेबिलिटी। डिस्प्ले का 400x400 का रेजोल्यूशन है, जो इसे अब तक के सभी एंड्रॉइड वेयर स्मार्ट वॉचेस का हाईएस्ट रेजोल्यूशन है। Huawei Smartwatch stainless steel unibody watch hai, which is corrosion and scratch resistant. Top right 45 degree angle par smartwatch ka power button diya gaya hai. Straps bhi genuine leather se bane hai. So overall, is smartwatch ka design simple aur classy hai and this watch is the best looking Android wear, hands down. Specification and feature wise, the smartwatch isn't all that loaded. Huawei Smartwatch ek complete fitness watch nahi hai, kyunki isme, in terms of a fitness watch, kaafi saare features missing hai. हालांकि इसमें डेली फिटनेस ट्रैक करने के लिए कुछ बेसिक फीचर्स हैं, जैसे डेली ट्रैकिंग ऐप जो आपके स्टेप्स और कैलोरीज कंज्यूम्ड काउंट करता है। इसके साथ ही इसमें हार्ट बीट सेंसर भी है। स्वाइप डाउन करने पर आप स्मार्ट वॉच की सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं और राइट से लेफ्ट स्वाइप करने पर प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक तरह से वॉच का यूजर इंटरफेस काफी स्मूथ है और कड़ी यूसेज पर भी इंटरफेस कभी भी लैग नहीं किया। इस वॉच में GPS ट्रैकिंग ऑप्शन नहीं है, जो स्मार्ट वॉचेज में अक्सर देखने को मिलता है। स्मार्ट वॉच में 300 mAh की बैटरी दी गई है एंड इज सपोज्ड टू लास्ट अप टू 2 days। Huawei वॉच iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म्स पर कंपैटिबल है और इसकी कीमत है 23,000 रुपए। सो ऑल इन ऑल, Huawei डिड इम्प्रेस अस विद इट्स डिजाइन एंड परफॉर्मेंस और इसे हम आपको खरीदने के लिए जरूर सजेस्ट करेंगे। जब बात हो स्पोर्ट्स ट्रैकिंग की, तो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन बनता है Garmin Fenix 3, एक ऐसी स्मार्ट वॉच जो स्पेशली बनी है फिटनेस फ्रीक्स के लिए। People for whom fitness ranks first in their list. हालांकि स्मार्ट वॉच का ज्यादातर वेट उसकी बैटरी में है। Fenix 3 sports a 1.2 diameter. इस स्मार्ट वॉच में 5 बटन्स हैं जो आपको सेटिंग्स, एक्टिविटी ट्रैकर और फॉरवर्ड बैक पर जाने के लिए गाइड करेंगे। लेफ्ट साइड के बटन्स LED बैकलाइट और अप डाउन स्क्रॉल करने के लिए हैं। तो वहीं राइट साइड के बटन से आप अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। Fenix 3 में भी सफायर क्रिस्टल ग्लास लगा हुआ है, जो इसे स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाता है। हालांकि इसका लो पावर LCD पैनल इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। ऑल इन ऑल, डिजाइन वाइज Fenix 3 इज अ मैन्स रिस्ट बेस्ड कंपेनियन, पर स्पेसिफिकेशन वाइज स्मार्ट वॉच को फिटनेस बफ्स को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। Fenix 3 इज केपेबल ऑफ ट्रैकिंग ट्रेल रनिंग, स्कीइंग, ओपन वाटर स्विमिंग एंड इवन जिम वर्क। इसके साथ स्टेप ट्रैकिंग, कैलोरीज बर्न जैसे पॉपुलर फीचर्स भी स्मार्ट वॉच में इनबिल्ट है। Fenix 3 में आपको GPS का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसके लगातार इस्तेमाल के बावजूद इसकी बैटरी 20 घंटे आपका साथ निभाएगी। Fenix 3 का बेस्ट पार्ट है कि आप इसको अपने स्मार्टफोन के बिना भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वी प्रॉमिस यू, इस स्मार्ट वॉच के जरिए आपके फिटनेस ट्रैकिंग बिल्कुल एक्यूरेट होगी। सो दिनेश, यप, लेट्स जस्ट बाय दीस स्मार्ट वॉचेस एंड लेट्स गेट स्मार्ट। या आई थिंक सो, बट श्रुति, डोंट यू थिंक आई एम ऑलरेडी स्मार्ट? लुक एट माय ब्लेजर, made in USA, my denim, made in UAE. You are again old fashioned. You are not in vogue. It's all made in India up. Ji haan. Are you serious? Sab kuch made in India hai. Even these phones. Take a look from the LG. मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने में एक और नाम जुड़ा है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स। जहां दुनिया भर से लोग भारत में अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उन्हीं में से एक है LG।
जिसने कुछ समय पहले अपने दो स्मार्टफोन्स LG K7 और K10 को न सिर्फ भारत में लॉन्च किया बल्कि मेक इन इंडिया के अंदर भारत में ही बनाया। ये फोन्स हाल ही में लॉन्च हुए और हम आपको बताएंगे इनके बारे में एक्सक्लूसिवली ऑन आवर शो। शुरुआत करते हैं LG के K7 स्मार्टफोन से, जिसका प्राइस रखा है ₹9,500, यानी यह है एक बजट फोन। डिजाइन के मामले में ये फोन अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है और ये फोन भी LG के स्टैंडर्ड डिजाइन को ही फॉलो करता है, जिसका मतलब है कि आपको इसकी बैक साइड पर कैमरा के ठीक नीचे मिलेंगे वॉल्यूम और पावर बटन। इसके साइड पर दिया है मेटल फ्रेम और 2.5D कर्व आर्क डिजाइन इस बजट स्मार्टफोन को काफी एलिगेंट लुक देता है। इसका बैक कवर रिमूवेबल है एंड सो इज द बैटरी। वहीं इसमें मिलते हैं दो नैनो सिम कार्ड स्लॉट और अलग से माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, और वो इसलिए क्योंकि ये फोन आता है सिर्फ 8GB स्टोरेज के साथ, जो आजकल के स्मार्टफोन्स यूजर्स के लिए काफी कम है। LG ने इस फोन में दिया है 1.1GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 1.5GB रैम, 5MP कैमरा और 2125mAh बैटरी, जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में आपको Xiaomi का Redmi Note 3 और Lyoko LE1S बेहतर स्पेसिफिकेशन और बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं एक और फोन जो कि है K10 का, जिसका दाम रखा गया है 13,500। ये फोन LG के सीरीज का दूसरा बजट स्मार्टफोन है और LG की माने तो K स्टैंड्स फॉर काइनेटिक, जिसे यूथ को टारगेट करके बनाया गया है। ये फोन एक गुड लुकिंग डिवाइस जरूर है थैंक्स टू इस 2.5D आर्क डिजाइन इन फ्रंट एंड पेबल डिजाइन एट द बैक। और सभी LG फोन्स की तरह इसमें भी वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन बैक पर दिए गए हैं, और इसका मेटल फ्रेम और पेबल डिजाइन इसे भी प्रीमियम लुक देता है और साथ ही साथ अच्छी ग्रिप भी। इसमें दी गई है 5.3 इंच HD स्क्रीन, जिसमें आपको कलर्स काफी शार्प मिलते हैं। मल्टीटास्किंग के लिए K10 LTE डीसेंट परफॉर्मेंस देता है, लेकिन अगर आप एक साथ बहुत सारी एप्स खोलते हैं तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है। और आइए अब नजर डालते हैं LG K10 की स्पेसिफिकेशंस पर। इसमें दिया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 410 क्वाड-कोर प्रोसेसर, 2GB रैम विद 16GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस। ये रन करता है 5.1 एंड्रॉइड लॉलीपॉप पर और इसमें दी है 2300mAh बैटरी। कैमरा के मामले में LG ने दिया है इसमें 30MP रियर और 5MP फ्रंट कैमरा, जिसकी परफॉर्मेंस हमें काफी डिसअपॉइंटिंग लगी। And now this time it's a gaming delight for the gamers. Double bonanza. जी हाँ, दिनेश double bonanza लाया। क्या है दिनेश? जी हाँ, ये पूरा segment मैं dedicate कर रहा हूँ उन game lovers के लिए जो game खेलना पसंद करते हैं मेरी तरह। Which game do we have to review? Uncharted 4. And which gaming laptop do we have? We have Asus ROG gaming laptop specially for you. Take a look. Those who prove worthy, paradise awaits. अगर आप अनचार्टेड गेम के दीवाने रहे हैं तो आपके लिए दो खबर है। एक, अनचार्टेड सीरीज खत्म हो रही है, और दूसरा, अनचार्टेड 4 में नेथन ड्रेक की एडवेंचरस लाइफ गुड नोट पे खत्म होने जा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अभी तक की बेस्ट अनचार्टेड गेम है, और वो इसलिए क्योंकि अभी तक ये गेम एक लीनियर थीम पार्क राइड थी, लेकिन अब आपका प्लेयर हब लाइक एरियाज में जा सकता है, विच इज ओपन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अनचार्टेड हमेशा से अपने गेम प्ले और ग्राफिक्स के लिए जानी जाती है, और इस बार भी इसकी स्क्रिप्ट में आपको काफी फ्रीडम देखने को मिलेगी। भले ही वो लोकेशंस हों या फिर एनिमेशंस, इसके हर एक कैरेक्टर के एनिमेशंस में मानो जान फूंक दी हो। Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer. ड्रेक का इस बार का ऑब्सेशन 17th सेंचुरी का ट्रेजर है, जो उस समय के एक पायरेट ने चोरी करके मेडागास्कर में कहीं छुपा दिया है, जिसको ढूंढने के लिए ड्रेक अब वो जगह एक्सप्लोर करता है और एनिमी से लड़ता है। और इन हब्स को एक्सप्लोर करने के लिए आप अपने एनिमीज को टैग कर सकते हैं, जिससे आप इजीली पूरे एरिया और डेंजर को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह इसकी एक्सप्लोरेशन भी काफी इन्हांस्ड है थैंक्स टू द लार्जर स्पेसेस, भले वो स्लोप्स हो जिससे आप स्लाइड करते हैं, रोप जिससे आप एक्सपेंसेस पर स्विंग करते हैं, या फिर बड़े एरियाज को कवर करने के लिए जीप, ऑल ऑफ विच कम्बाइन टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ एक्चुअल एक्सप्लोरेशन विद मल्टीपल रूट्स एंड पाथ्स। इस गेम में आपको एक और नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा,
और वो है नेथिन का पुराना और बिछड़ा भाई सैम। जी हाँ, ये ना जाने सुनने में कितनी पुरानी स्टोरी लाइन लगे, लेकिन इस कैरेक्टर की वजह से ये गेम बनती है और ज्यादा इंटरेस्टिंग। इस गेम को खेलते वक्त आप कभी भी बोर नहीं होंगे। इस ट्रेजर हंटिंग एडवेंचर में यू गेट टू सी एस्टोनिशिंग लोकेशंस एंड द गेम फाइंड्स अ कंसिस्टेंट मोमेंटम। गेम के हीरोज को फ्रीक्वेंटली दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। इनफैक्ट गेम का लास्ट हाफ इज फुल ऑफ एडवेंचर, पजल्स एंड शूटिंग। ओवरऑल ये गेम उन लोगों को जरूर पसंद आएगी जिन्होंने अनचार्टेड के पिछले सारे पार्ट खेले हैं, भले ही ग्राफिक्स की बात हो या फिर गेम प्ले। एंड इट्स अ गुड कंक्लूजन फॉर द अनचार्टेड सीरीज ओवरऑल। तो चलिए, अब समय हो चला है इसे रेटिंग्स देने का। तो अनचार्टेड 4 के ग्राफिक्स को हम देंगे 8 out of 10, गेम प्ले को देंगे 8 out of 10, ओवरऑल भी इस गेम को हम देंगे 8 out of 10। अनचार्टेड 4 को आप खेल सकते हैं PlayStation 4 पर और इस गेम का प्राइस है 3,999 रुपए। तो ये थी अनचार्टेड 4 गेम, जो ना सिर्फ देखने में बल्कि खेलने में भी एक अमेजिंग गेम है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को एक अलग लेवल पर लेके चला जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसस के ROG G551V की, जो एसस का अभी तक का लेटेस्ट गेमिंग लैपटॉप है। अक्सर हमें लैपटॉप की सख्त जरूरत पड़ती है, भले ही वो ऑफिशियल वर्क हो या फिर पर्सनल। लैपटॉप में हमें वो सब खूबियां मिलती हैं जो एक डेस्कटॉप में नहीं मिलती, लेकिन गेम खेलने के लिए अभी भी लैपटॉप इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ राइट चॉइस। और इसी नोशन को चेंज करने के लिए हम लाए हैं एसस का लेटेस्ट गेमिंग लैपटॉप ROG G551BW। ये लैपटॉप एक गेमिंग डिवाइस है विच इज जस्ट अबाउट ओके इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, लेकिन अगर पोर्टेबिलिटी और स्लीकनेस आपकी प्रेफरेंस है तो ये डिवाइस आपको थोड़ा निराश करेगी, एज इट वेज अबाउट 2.70 किलोज एंड इज 33 mm थिक। लेकिन फिर भी ये डिवाइस मार्केट में अपने कंपेटिटर से कॉम्पैक्ट और छोटा है। ROG G551VW के प्योर केस को बनाया गया है स्टाइलिश मेटालिक चेसिस के साथ विद अ मैट फिनिश। तो वहीं इसके सॉफ्ट इंटीरियर्स देखने में तो काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन इस पर स्मज और प्रिंट मार्क इजीली दिखने लगता है, स्पेशली ऑन द पाम रेस्ट एंड द एरिया अराउंड द ट्रैक पैड। लेकिन ओवरऑल इसके इंटीरियर्स आपको काफी अट्रैक्टिव लगेंगे, भले ही वो रेड कीबोर्ड हो या फिर बैक पर दिया सटल ROG लोगो जो माइल्डली ग्लो भी करता है। ये लैपटॉप देखने में वाकई एक गेमिंग लैपटॉप लगता है। इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन इसकी स्क्रीन के हिंजेस काफी वीक और फ्रेजाइल है। इनफैक्ट द स्क्रीन एक्चुअली वॉबल्स व्हेन यू टाइप समथिंग। लेकिन इसका इंटीरियर काफी रूमी है एंड हाउसेस अ फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड। इसकी साइड पर नजर डालें तो आपको मिलेगा 4 USB स्लॉट जिसमें से एक USB टाइप सी कनेक्टर है, प्लस फुल साइज HDMI वीडियो आउटपुट, कार्ड रीडर, ऑप्टिकल ड्राइव एंड अ लैंड पोर्ट। लेकिन लुक्स, डिजाइन और डिस्प्ले के बेसिस पर क्या एक गेमिंग लैपटॉप खरीदा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो आइए जानते हैं इसके हार्डवेयर और परफॉर्मेंस के बारे में। तो Asus ने G551VW में दिया है 2 GHz इंटेल कोर i7 6700HQ प्रोसेसर पेयर्ड विद 16 GB ऑफ DDR4 RAM, NVIDIA GTX 960M ग्राफिक्स, हाइब्रिड स्टोरेज विद 1 TB SATA SSD और ये डिवाइस रन करती है विंडोज 10 पर। इस पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमें ये लैपटॉप डेली यूज के लिए काफी स्नैपी लगा। इट इजीली हैंडल्स ब्राउजिंग एंड मल्टीमीडिया कंटेंट इंक्लूडिंग 4K वीडियोस। इस पर आप फोटोशॉप और प्रीमियर जैसे डिमांडिंग सॉफ्टवेयर्स इजीली तो चला ही सकते हैं। साथ ही इसमें दिया गया NVIDIA 960M ग्राफिक्स चिप और कोर i7 6700HQ प्रोसेसर इसे गेम खेलने के लिए बटरी स्मूथ डिवाइस बनाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज इस डिवाइस ने हमें कहीं भी निराश नहीं किया। इनफैक्ट इस डिवाइस को आप इजीली अपनी जरूरत और जेब के हिसाब से अपग्रेड भी कर सकते हैं, विच इज अ वेलकम बोनस। जब बात हाई परफॉर्मेंस की आती है तो जाहिर सी बात है मॉडर्न लैपटॉप्स हीट भी एमिट करते हैं, लेकिन इस लैपटॉप ने इस सेक्शन में भी हमें इंप्रेस किया। इसके हार्डवेयर को कूल रखने के लिए दिए हैं सिंगल फैन विच स्पिन्स क्वाइटली इन एवरीडे यूज एंड ओनली रैम्प्स अप एट हाई लोड्स।
इसके दोनों इनर और आउटर कंपोनेंट्स काफी कूल रहते हैं और लगातार गेम खेलने के बावजूद ये लैपटॉप 40 डिग्री से ज्यादा नहीं गया। चलिए जाने से पहले इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं। तो Asus G551BW में दिया है 56Wh बैटरी, जो छोटी तो है लेकिन Asus ने इसे रिमूवेबल रखा है और फुली चार्ज होने पर ये बैटरी ने हमें मुश्किल से दिया करीब 2 घंटे का बैटरी बैकअप और इसीलिए शायद Asus को बैटरी सेक्शन में थोड़ा काम करने की जरूरत है। Dinesh, you know what? It was a technology patch this week. Itne sare launches, so many new gadgets. Do you know about it? Sorry, I missed it all. Khair, gaming se fursat mile to kuch pata bhi ho. Any which ways, let's take a look at the tech bus for you and all of you there. चीन की कंपनी मीजू ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन एंट्री नोट बुधवार को लॉन्च किया। इस डुअल सिम स्मार्टफोन में 5.5 इंच की फुल एचडी स्क्रीन दी गई है। ये फोन 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी से लैस है। मीजू एंट्री नोट में फोटोग्राफी के लिए फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर सहित 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और सेल्फी क्लिक करने के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसमें 4100 mAh पावर की बैटरी है। इसमें एम टच 2.1 फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर इस सेगमेंट में अवेलेबल बाकी फोन्स के मुकाबले बहुत तेज है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 9,999 रुपए रखी गई है। ये फोन 31 मई से अमेजोन इंडिया पर अवेलेबल होगा। सोनी ने हाल ही में अपने फ्लैगशिप जी मास्टर सीरीज और फुल फ्रेम इंटरचेंजेबल कैमरा लेंसेज को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। इनमें 3 नए ई माउंट फुल फ्रेम लेंसेज शामिल हैं। 24 से 70 mm कांस्टेंट f2.8 स्टैंडर्ड जूम लेंस, 85 mm f1.4 प्राइम लेंस, 70 से 200 mm कांस्टेंट f2.8 टेलीफोटो जूम लेंस हैं। FE24 to 70 mm और 85 mm लेंसेज अभी से ही मार्केट में अवेलेबल हैं। वहीं 70 से 200 mm लेंस अगस्त 2016 से आप खरीद सकते हैं। 70 से 200 mm की कीमत है 1,54,900 रुपीज और 85 mm की कीमत है 1,29,990। अभी जूम लेंस की कीमत को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। टेलीफोटो जूम लेंस वाइल्ड लाइफ स्पोर्ट्स एंड इवेंट फोटोग्राफर्स की जरूरतों को फोकस करके बनाया गया है। इसके अलावा तीनों लेंसेज डस्ट और मॉइस्चर रेजिस्टेंट हैं और 2 मैचिंग नए फिल्टर्स के साथ आते हैं। ये लेंसेज चुनिंदा सोनी सेंटर, अल्फा फ्लैगशिप स्टोर्स और मेजर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स पर अवेलेबल होंगे। आईबॉल ने भारतीय मार्केट में 2 नए लैपटॉप लॉन्च किए जिनके नाम है कॉमबुक एक्सेलेंस और कॉमबुक एक्सेम्प्लेयर। दोनों लैपटॉप में लगभग सभी स्पेसिफिकेशन सेम है। कॉमबुक एक्सेलेंस की स्क्रीन साइज जहां 11.6 इंच की है, वहीं एक्सेम्प्लेयर की स्क्रीन साइज 14 इंच की है। दोनों लैपटॉप्स की सबसे बड़ी USP की कीमत 9,999 रुपए और 13,999 रुपए दी गई है। लैपटॉप्स को इंटेल एटम Z3735F का प्रोसेसर पावर करता है, पेयर्ड विद 2GB ऑफ रैम और साथ ही 32GB की इंटरनल स्टोरेज है, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 64GB। और कॉमबुक एक्सेम्प्लेयर में 10,000 mAh की बैटरी दी गई है। ये दोनों लैपटॉप्स विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं। फैबलेट्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए शाओमी ने अपना नया फैबलेट MI Max लॉन्च किया। हालांकि ये फैबलेट फिलहाल भारतीय मार्केट में नहीं आया है। MI Max में 6.44 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। फैबलेट में 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। MI Max में 16 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है और साथ ही 4850 mAh की पावरफुल बैटरी दी है। MI Max को पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 650 का प्रोसेसर एंड इट रन्स ऑन एंड्रॉइड OS एंड इट रन्स ऑन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। भारतीय मार्केट में इसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए हो सकती है। भारतीय मार्केट में लेनोवो ने अपना नया फोन ZUK Z1 उतारा। इस फोन की कीमत है 13,499 रुपए, जो 19 मई से अमेजोन पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। लेनोवो ZUK Z1 रन करता है साइनोजेन ऑपरेटिंग सिस्टम 12.1 पर। फोन में 5.5 इंच फुल HD डिस्प्ले है और इसे पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 801 का प्रोसेसर कपल्ड विद 3GB रैम। फोन में 64GB की स्टोरेज स्पेस दी गई है एंड इस पैक विद अ पावरफुल बैटरी ऑफ 4100 mAh, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। अगर आपको स्मार्ट टीवी का शौक है और इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते तो आपके लिए ये खास है।
व्यू ने रिसेंटली अपने बजट स्मार्ट टीवी की रेंज भारत में लॉन्च करी है, जिसकी कीमत शुरू होती है 20,000 रुपए से। इस टीवी के चार मॉडल हैं। 32 इंच HD स्मार्ट टीवी की कीमत 20,000 रुपए है, वहीं 40 इंच फुल HD की कीमत 30,000 रुपए, 50 इंच फुल HD टीवी की कीमत 42,000 रुपए और 55 इंच फुल HD स्मार्ट टीवी की कीमत 52,000 रुपए है। स्मार्ट टीवी की खासियत इसमें दिया गया स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर है, जिसके जरिए इसमें दिए गए ब्राउजर से इंटरनेट ब्राउजिंग की जा सकती है। इसके अलावा स्मार्टफोन स्क्रीन को मिरर की तरह इस पर यूज किया जा सकता है। अमेरिकन मेमोरी मेकर कंपनी सैंडिस ने आईफोन और आईपैड के लिए नेक्स्ट जनरेशन आई एक्सपैंड फ्लैश ड्राइव लॉन्च किया है। अगर आपके iOS डिवाइस कम मेमोरी वाले हैं तो अब इसके जरिए मेमोरी बढ़ा सकते हैं। ये 128GB तक के मेमोरी ऑप्शन में उपलब्ध होगा। इस फ्लैश ड्राइव में लाइटिंग कनेक्टर और USB 3.0 कनेक्टर दिए गए हैं। इसे iOS 8.1 किसी भी आईफोन और आईपैड में यूज किया जा सकता है। 16GB के इस फ्लैश ड्राइव की कीमत है 3,990 रुपए, तो वहीं 128GB की कीमत है 9,999 रुपए। सैमसंग ने अपने एयर सॉल्यूशन ऑफरिंग्स में चार और नए प्रोडक्ट्स शामिल किए हैं। दिल्ली में कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए उसमें शामिल है सैमसंग न्यू 360 कैसेट डिजाइन, सैमसंग 30HP सुपर DVMS, द DVMS इको 14HP एंड DVM चिलर। कंपनी दावा कर रही है कि ये प्रोडक्ट्स मार्केट्स में अवेलेबल बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट होंगे। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स का डिजाइन काफी यूनिक और इनोवेटिव भी है। ये प्रोडक्ट्स आपको अभी सिर्फ सैमसंग के आउटलेट्स में मिलेंगे, बट कंपनी इज प्लानिंग टू सेल देम ऑनलाइन इन द कमिंग डेज। So that's all we have in this episode, guys. I hope आपको हमारा शो पसंद आया होगा और हमेशा की तरह आप हमारे सारे कूल एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं, Facebook पे हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं, हमें Twitter पे ट्वीट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप कौन से गैजेट का रिव्यू देखना चाहते हैं। लेकिन श्रुति, जाने से पहले क्या हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्पेशल और इंटरेस्टिंग है? You told us that you're going to take us to some different world. Yes, we are talking about virtual reality. Yes, that's it. We have the VR special next week. देखिएगा कि क्या है ये VR, anything and everything about virtual reality. Until then, take care.